और जोरो चिप्स की तरह तीखा भी है, जिसको दिक्कत होगा वो नहीं खाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है 5:28 हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। हम लोग उठे थे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, आज गांधी जयंती है और सप्तमी भी है, नवरात्रि का 7वां दिन है, काली माता जी का दिन। तो अभी बाहर काफ़ी, आपको दिखाते हैं कि बाहर अच्छा मौसम है। तो गाइस आप देखिए कितना अच्छा है अभी मौसम। अभी तो अंधेरा है, सभी सोए हुए हैं, बस मैं और खुशी जागे हैं। खुशी पढ़ रही है और मैं थोड़ा सा बाहर का आपको दिखाती हूँ। अभी तो चिड़िया की आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा टाइगर उठ गया। टाइगर, गुड मॉर्निंग टाइगर। देखिए मेरे बाहर गांव में अभी शांति है क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं और इस टाइम सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो गाइस चलते हैं अंदर, बाहर काफ़ी शांति है। तो गाइस खुशी अंदर पढ़ाई कर रही है और आप लोग भी गणेश जी का पूजा कर लीजिए। वैसे तो आज काली माता जी का पूजा होगा क्योंकि आज सप्तमी है और 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती। तो चलते हैं खुशी को देखते हैं क्या कर रही है। तो गाइस खुशी पढ़ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ अपने गांव का। भोर में मेरे गांव में शांति छाई हुई रहती है। अब देखिए अभी सभी लोग उठ जाएंगे थोड़े। ये देखिए कोई है जो उठ गया है, ये गांव के हैं मेरे। देखिए कितना अच्छा हुआ, पूरा फॉग हुआ है। मेरी मम्मी टहल रही हैं। अरे टाइगर, हो गया तुम्हारा टहलना? ओहो सुसू कर रहा है। मेरा घर बाहर से ऐसा है। अभी हम लोग इसको और फूल, मेरा भाई सबसे ज़्यादा फूल लगाता है, मैं भैया। और ये मेरे घर में एंटर करते ही आम का पेड़ है, बहुत अच्छा खिलते हैं। हम मेरे भाई ने बहुत फूल लगाया है, सब ये सारे फ्लावर्स हैं देखिए। थोड़ी देर पहले इतनी शांति थी, लेकिन अब यहाँ पे कुत्तों की बहुत भारी भीड़ भी है और झगड़ा भी हो रहा है। इंसान लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब लड़ने के लिए जरूर आ गए हैं। ढेर सारे कुत्ते आ गए हैं। मेरा टाइगर भी इन लोगों से लड़ने वाला है। टाइगर लड़ना मत, नहीं इतने सारे कुत्ते हैं, तुमको काट लेंगे। इतनी शांति थी गाँव में, लेकिन आप देख सकते हैं अब ये है मेरा टाइगर जो कि यहाँ पे खड़े होकर देख रहा है उन लोगों को, पोजिशन बना के खड़ा है। गाइज मेरा भाई अभी को सो के उठ के आ रहा है। तो मम्मी अचार बनाने की प्लानिंग में है और बैठ के अचार बना रही हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी मिर्ची का अचार बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा तरीका लगाई है ताकि मिर्ची हाथ में ना लगे। मिर्चा कट चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लहसुन भी छिल गया है और मिर्च भी रखा गया था धूप में सूखने के लिए, 1-2 घंटे में सूख गया था। फिर ये लहसुन भी उतने टाइम में मतलब छिल गया है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पे सारा मसाला मम्मी रख ली हैं। क्या क्या पड़ेगा इसमें, ये है जीरा और ये है पचफोरन और ये है धनिया और ये है मिर्चा, कटा हुआ मिर्चा, जो कि इतना मिर्च का सब अचार बनेगा, हम लोग के गांव के स्टाइल में बनेगा। और ये है लाल वाला मिर्चा, ये भी पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी गांव की तरह मतलब गांव के स्टाइल में बनाएंगी मिर्च वाला अचार, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे देखिए गाइस, मम्मी अपना काम करने लगी हैं, मसाला बनाने लगी हैं, गैस पे लग गई हैं। मम्मी कहते अगर खराब है खाइए तो अच्छा लगता है, चटपटा मन जाता है, चटपटा मन में मतलब। तो गाइस देखिए, यहाँ कढ़ाई में तेल डाल चुका गया है, तल जाएगा जब ये, तब इसको मम्मी उतार देंगी। तो दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पे मिर्च एकदम अच्छे से तला चुका है, थोड़ा हरा भी है और थोड़ा ब्राउन भी है। ये मतलब इसलिए इसके लिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। इतने पे आप लोग मतलब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इसमें लहसुन मिल गया है अचार में, और ओ भाई ये तो पूरा मिर्चा मिर्चा का अचार है। खुशी कौन खाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी भाई। जिसको जो लोग पेशेंट है उनके लिए ये अचार बिल्कुल नहीं है। तुम हो ना मम्मी, नहीं पागल तो क्या। जिन लोगों को भाई मिर्चे से दिक्कत है वो मिर्च वाला अचार नहीं खाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च मिला हुआ। खुशी मैं तो देख के ही मुँह से तो बाहर आ रहा है, लेकिन हाँ तो देखो कोई डूब ना जाए इसमें। इतना ज़्यादा लहसुन प्याज धनिया। लेकिन बात जो भी हो, मम्मी का तो स्टाइल अचार बनाने का एकदम मस्त है। जिन लोगों को मिर्ची लाल मिर्च से दिक्कत होगा भाई, वो स्किप कर सकते हैं इसको। मेरी मम्मी तो बहुत सारा लाल मिर्च डाल दी है। नमक स्वाद अनुसार आप इन सब चीज़ों में डाल सकते हैं जो आपको पसंद होगा वो सब। देखिए अब इसको मिक्स कर देंगे। भाई बाहर बहुत धूप है, कितनी गर्मी लग रही है इधर। तो गाइस ये देखिए, इसमें अचार है, मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। अच्छा है पर बहुत खट्टा है, और जोड़ो चिप्स की तरह तीखा भी है। जिसको दिक्कत होगा वो नहीं खाएगा। तो कौन बनाया है, मम्मी बनाई है ना? मम्मी ने बनाया है अचार। मम्मी हम लोग की बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, हम लोग बस ठूसते हैं। दोस्तों आप लोग भी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा मार। तो गाइस हमारा वीडियो पोस्ट करने का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको खा के बना के तब वीडियो पोस्ट करेंगे। टाइगर मिर्च का अचार खाओगे? हाँ मिर्च का अचार खाओगे? ये तो नहीं खाएगा भाई, कभी मिर्च खाता ही नहीं है। खुशी यहाँ पे खाना खा रही है, कोचिंग से अभी आई है। टाइगर यहाँ पे लड़ाई करके सोया हुआ है। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये भी ब्लॉग पसंद आया होगा, जैसा कि कल वाला वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट किया, मैं सबके कमेंट्स पढ़ी। उन सभी लोगों को मेरा बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। तो गाइस आज वाला ब्लॉग भी आप लोग देखिएगा, आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें अभी भी अपने अपने वीडियो में हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए, ताकि हमको मदद मिल सके आपका कि हम और भी अच्छा बनाने के लिए क्या करें। सो गाइस तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक